हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पी आर नॉलेज सेंटर। तो आज करेंगे यूपीपीएससी जीएस प्रीलिम्स का 2014 का पीवाईक्यू। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। और मैंने पहले ही बताया है कि हमारे चैनल पे एक टेस्ट करवाए जा रहे हैं, घटना चक्र करा जा रहे हैं, करंट अफेयर सब करवाए गए हैं। सबका प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको नया अपडेट, तो कर लीजिए और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम करते हैं 2014 का प्रीलिम्स का पेपर। तो इसमें है मौर्य एवं मरुत्तर काल से। तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा विलेख की क्या तिथि क्या है? तो वो है 81 AD। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की अभिलेख तिथि 81 ही सन है। यह अभिलेख बौद्ध धर्म की तत्कालीन अवस्था से जुड़े तथ्यों पर प्रकाश डालता है। इस बौद्ध प्रतिमा अभिलेख को मथुरा से लाकर कनिष्क के राजा ग्रोहण 78 सन के तीसरे वर्ष के सारनाथ में स्थापित किया गया। कनिष्क ने पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया और इसके राज्य की दूसरी राजधानी मथुरा थी। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो है रुद्रदामन फर्स्ट ने। रुद्रदामन फर्स्ट ने बिना कर लगाए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया और उसने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निजी धन देकर एक उत्कृष्ट शासक के कर्तव्यों का निर्वाह किया। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जिसका जीर्णोद्धार अशोक ने भी करवाया था। 1306 के ईस्वी में बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो रावी, सतलज, ब्यास, सिंधु। तो थी सिंधु। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा सिंधु नदी थी। उल्लेखनीय है कि अलाउद्दीन के काल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर किए गए, किंतु उन्हें दिल्ली सल्तनत की सीमा के बाहर ही रोक दिया गया। अगला है कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या फरीद या कुतुबुद्दीन बख्तियार, निजामुद्दीन औलिया। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही कहलाते हैं। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और इन्होंने दिल्ली सल्तनत काल में 7 सुल्तानों का काल देखा। हनुज दिल्ली दूरस्थ दिल्ली अभी दूर है, यह कथित सुल्तान गयासुद्दीन तुगलन के लिए शेख निजामुद्दीन औलिया द्वारा उद्गृत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो अभी बताया गया वह शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ये चिश्ती जो है वह शिष्य हैं मोइनुद्दीन चिश्ती हैं हुसानी के, उस्मान हारूनी के। ठीक है। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था कितने? 7 वर्षों में। अकबरनामा अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा 1590 से 96 ईस्वी के बीच 7 वर्षों में लिखा गया था। यह पुस्तक अकबर के काल की घटनाओं के वर्णन से संबंधित है। दस्तार बंदान कौन कहलाते हैं? तो वह उलेमा कहलाते हैं। अगला है औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी? तो वो थी जहाँ आरा को। औरंगजेब ने जहाँ आरा को साहिबात जमाने की उपाधि प्रदान की। जहाँ आरा बादशाह सम्राट शाहजहाँ की सबसे बड़ी बेटी थी और अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन थी। ये मॉडर्न इंडिया से। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर। तो एंड्रयू फ्रेजर था। बंगाल का विभाजन 1905-6 के समय बंगाल का गवर्नर जनरल एंड्रयू फ्रेजर था तथा बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल का एंड्रयू फ्रेजर था और भारत का गवर्नर कर्जन था। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य बंगाल का विभाजन था। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने और कमजोर करने के उद्देश्य से प्रशासनिक सुविधाओं का आरोप लगाकर बंगाल को 2 भागों में बांटा। इस कार्य के द्वारा हिंदू एवं मुसलमानों में मतभेद पैदा हो गया और अपनी फूट डालो राजकरो नीति का कर्जन ने क्रियान्वयन करने का प्रयास किया। अगला है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे किससे? तो स्वदेश मूवमेंट से जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार डब्ल्यू नेविंसन का संबंध स्वदेशी आंदोलन से था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ था, जबकि वे मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे। स्वदेशी से नेविंसन जुड़े थे और स्वदेशी से नेविंसन जुड़े थे और सविनय अवज्ञा से जुड़े थे मिलर। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली ने उठाई थी।
महात्मा गांधी के साथ शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु असहयोग आंदोलन के प्रारंभ में और 1 अगस्त 1920 में हुई थी। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो वह थे मनसुख लाल नाजर। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नाजर थे। इस पत्रिका का प्रकाशन गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवासन के दौरान किया गया था। पत्रिका गुजराती, तमिल, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में थी। इंडियन ओपिनियन मनसुख मनसुख ने लिखा था। अगला है दादा भाई नौरोजी जी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वो पहले भारतीय जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिक के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। ये भी सही है। उन्होंने गुजराती पत्रिका रक्त गुप्तार का आरंभ किया। ये भी सही है। उन्होंने चार बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता ली तो नहीं, उन्होंने 3 बार ली थी। ठीक है। कब? 1886 में, 1893, 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन सा है? तो अमृतसर 1919 का है। बाल गंगाधर तिलक ने 1919 में अमृतसर अधिवेशन के बाद किसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भाग नहीं लिया था। तिलक की मृत्यु 1920 में हो गई थी तथा अंग्रेज कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। प्रथम महिला अध्यक्ष थी और कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, जिसमें स्वराज का पहली बार उल्लेख हुआ था। अगला, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था? तो कहा था माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ में। नहीं, वो कहा था हिंदू स्वराज में। अगला है जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस द्वारा समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया किसको? महात्मा गांधी को। अगला है निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? एससी बोस इंडियन स्ट्रगल से हैं। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया से हैं। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड से हैं। फ्रैंक मॉरिस हैं इंडियन फ्रॉम कर्जन टू नेहरू। तो ये जो है सुमिलित नहीं है। इंडियन फ्रॉम कर्जन टू नेहरू ये की पुस्तक किसने लिखा? दुर्गा दास ने लिखा था। अगला है बीजे तिलक की सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो ये कहा था मैक्स मुलर ने। अगला है कांग्रेस के मंच के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? वो किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कलकत्ता के स्वराज में किया गया था 1906 में, दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कर नीचे दिए गए का सही उत्तर चुनिए। बीजे तिलक का निधन और एक अधिनियम के रूप में रॉलर टैग का पास होना, जलियांवाला बाग हत्याकांड और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मृत पर अधिवेशन। तो एक अधिनियम के रूप में रॉलेट एक्ट पास हुआ था फरवरी 1919 में। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था 26 से 30 में। और ये बीजे तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारी में से एक ने पीने के लिए दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा। वो कहा था रामप्रसाद बिस्मिल ने। अब है निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा? एसी बोस ने, एवी कैंपबेल जॉनसन ने, एस अर्जुन नाटन। तो ये कहा था एलन कैंपबेल जॉनसन ने। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। अगला है चयन करना है, मिलान करना है। तो ये विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह से थे, मतलब इंडिविजुअल सत्याग्रह से थे। बीजे तिलक किससे थे? होम रूल से थे और अरोड़ा असफली भारत छोड़ो आंदोलन से थे। सरोजिनी नायडू धर्सना रेड से थे। तो यह आ गया है ऑप्शन ए। अगला है काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद वल्लभ पंत, ए चंद्रभान गुप्ता, ए मोतीलाल नेहरू। तो वह तो गोविंद वल्लभ पंत में। तो 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ियों में से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था, जिसे काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की गई और बचाव समिति के अन्य सदस्यों ने चंद्रभानु गुप्ता, मोहनलाल सक्सेना, अजीत प्रसाद जैन और कृपा शंकर हजेरा आदि प्रमुख थे। इस घटना का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन था। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये रफीक जकारिया, तो ये लिखा था रफीक जकारिया ने। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया थे, जबकि अबुल कलाम आजाद ने इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम
और राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखा था, ठीक है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफी जकारिया ने लिखा था, और एल कॉलिंसन ली लेपिडियन ने फ्रीडम एंड मिडनाइट नामक पुस्तक लिखी थी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? तो ये माना था जेएससी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। अगला, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो लिया था डॉक्टर किचलू ने। डॉक्टर किचलू ने 1947 के कांग्रेसी कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का सांप्रदायिकता के पक्ष में समर्पण कहा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये गलत है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 के लेखक हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा, जबकि भगत सिंह ने YMNA एथिस्ट नामक बुक लिखा, और सचिंद्रनाथ सन्याल ने बंदी जीवन लिखा, और लाला राम शरण दस्ता ने दी ड्रीम लैंड लिखा, और भगवती चरण बोहरा ने दी फिलोसफी ऑफ बम लिखा। नई दिल्ली 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस के समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस की समिति की बैठक में अब्दुल कलाम आज़ाद ने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया, और विभाजन प्रस्ताव को 14 जून 1947 के कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने पेश किया गया था। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब? तो ये प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय अर्थात क्राउन की स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। ज्ञात हो कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री अटली ने भारत छोड़ने की घोषणा 20 फरवरी को की थी। अगला है, जनजातीय क्षेत्र है, बिरहोर जनजाति है, भोटिया, टोडा और सेंटिलेज। तो टोडा पता है कहाँ पाई जाती है, टोडा तमिलनाडु पाई जाती है, भोटिया पाई जाती है सिक्किम में, भोटिया सिक्किम में पाई जाती है, सेंटिलेज जो है अंडमान निकोबार द्वीप में, बिरहोर जो है झारखंड में। तो ऑप्शन हो गया ए, बिरहोर झारखंड, भोटिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु। भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं पिछल कठोर चट्टानों में प्रवाहित होती हैं। तो कथन कारण दोनों से ही कारण कथन की व्याख्या भी करता है। अगला, रेड क्लिफ लाइन किसके बीच है? तो रेड क्लिफ लाइन भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है इंडिया रेड क्लिफ लाइन, और दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा, अमेरिका कनाडा के बीच 49वीं है, और भारत चीन के बीच मैकमोहन। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा पौतंत्र रखती हैं? तो है ब्रिजनुमा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो वह दिल्ली है। और है, बीच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट फाउंड इन उत्तर प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन सा है खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो मिका अभ्रक नहीं पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। अगला, निम्नलिखित देशों में से कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो वो हो जाएगा, पहले सबसे ज़्यादा हो जाएगा अमेरिका का, रूस का, चीन का, फिर भारत का, फिर कनाडा का। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है किसको? तो अलाहाबाद के हल्दिया को। फिर नेक्स्ट, यह लिथोस्फीयर से है, निम्न से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? यूरेशिया में भैया पाया जाता है स्टेपीज। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी यूरेशिया में पाया जाता है। विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो है समुद्र रिपीटेड। वायु दाब का सबसे कम होता है कब? शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। अगला है, बिली बिली कहाँ पर आता है? बिली बिली ऑस्ट्रेलिया। और हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका। और टाइफून आता है चीन में, और बोगियो आता है फिलीपींस में। तो ऑप्शन हो गया डी बी। अगला है, आर्थिक भूगोल। तो निम्नलिखित में से कौन सा है व्यस्तम समुद्री मार्ग है? तो ये है नॉर्थ अटलांटिक। फिर निम्नलिखित में से कौन एक देश सबसे बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? चीले है, कनाडा है। विकल्प दिए गए देशों में सर्वाधिक यूरेनियम अयस्क निक्षेप कनाडा में पाया जाता है। वर्तमान में कजाकिस्तान यूरेनियम के भंडार उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। जापान लगभग आत्मनिर्भर बागसाई लौह तांबा खनिज तेल में, तो है तांबा में। फिर है, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? दक्षिण अफ्रीका, वो भैया पाकिस्तान है। फिर क्या है, भारत 31% है, भूटान 35%, श्रीलंका 15% और पाकिस्तान में 36। 2011 के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? तो है तमिलनाडु में। फिर है, 2011 की जनगणना के अनुसार पहले देखिए, ये उच्चतम है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़।
और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो है गाजियाबाद में। तो यहाँ पर देख लीजिए, गाजियाबाद है, वाराणसी है, हम लखनऊ है जनघनत्व। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है, तो वो है केरल में। तो केरल में 10.4% है और पंजाब में 11 है। जिस तरह देख लीजिए, भारत का संवैधानिक विकास B.N. रॉय ने दिया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति का सदस्य थे, तो वो थे प्रारूप सदस्य थे, एक गोपाला स्वामी थे और ये तीसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, तो ये है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, कौन संविधान सभा के, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे याद रखिएगा, और सरदार पटेल भी नहीं थे याद रखिएगा ये बात। अगला है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो वित्त आयोग एक भैया 280 है, योजना आयोग, योजना आयोग नहीं है, और पब्लिक लोक 312 है और 324 है। अगला है, निम्नलिखित में अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत तौर 40 है, कितनी बार पूछा है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का महायोग वियोग, ये भैया बिना देख के बता दो, 14 दिन के भीतर, और अनुच्छेद 61 भारतीय संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है, तो करता है लोकसभा का अध्यक्ष, और मंत्रिपरिषद से निम्नलिखित राज्य सभा के विषय में कौन सा सही है, तो ये भंग नहीं की जा सकती, तो ये भंग नहीं की जा सकती मंत्री राज्य के सभा के विषय में, तो राज्यसभा को भंग नहीं किया सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं 6 वर्ष होता है, और ये प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है, ये भी सही है। तो इसमें 1/3 सही है और इसके 25 नहीं 30 होता है, तो ये गलत है। अगला है, भारत की संसद में होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं, बाकी तीनों होते हैं, तो ऑप्शन हो गया ए। अगला है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय में कितने सदस्यों को नामित कर सकता है, तो ये कर सकता है, तो है लोकसभा में इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व कितना था, 2 था, अभी हटा दिया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो करता है लोकसभा का स्पीकर। अनुच्छेद 118 क्लॉज 4 के अनुसार संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और लोकसभा का अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। अगला है, वर्ग विशेष उपबंध से, अगला है ये कर, निम्नलिखित मंत्रालय से नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम है, संस्कृति मंत्रालय का, मानव संसाधन मंत्रालय का, अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यकों का है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर किसको, तो वो प्रेसिडेंट को, 124 क्लॉज 2 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, तो की गई थी, इसमें से कोई नहीं है, तो मतलब इंद्रसाहनी संकरी और इसका नहीं है, तो केशवानंद भारती किसका है। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, इनमें से कोई नहीं, 1935 के अधिनियम द्वारा हुई थी, 1937 में। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के परामर्श से द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, राष्ट्रपति परामर्श द्वारा प्रेसिडेंट थे, मतलब इलेक्शन कमीशन के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श द्वारा राष्ट्रपति हटाता है। किस राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, तो दी जाती है वह राज्य में या तो लोकसभा या विधानसभा में 6% वोट प्राप्त करता है, तो। अगला है, भारत में निर्वाचन, निम्नलिखित राज्यों में, राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम, तो इसमें आंध्र प्रदेश 1953 में बना था, फिर हिमाचल प्रदेश कब बना था, हिमाचल प्रदेश 1971 में बना था, हरियाणा 1966 में बना था, और सिक्किम 1975 में, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कौन एक समिति पंचायती राज संस्था संबंधित नहीं है, PVN राव और सिंधवी, अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता, तो ये PVN राव नहीं है, बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, GVK राव 1985 और एलमी सिद्धमी 86 में थे। गरीबी एवं बेरोजगारी, तो PN राव समिति का पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, सीधी है। ट्रिसम की प्रोग्राम है किसका, तो है रूरल डेवलपमेंट का, तो ट्राइसेम मतलब ट्रेनिंग इंडियन यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का संक्षिप्त रूप है, इसे 1979 में ट्राइसेम योजना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया था, 1999 में स्वर्ण जयंती स्वग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल किया गया। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित किससे है, तो है नॉर्से से। फिर है अर्थशास्त्री रैगनर नॉर्से द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ द कैपिटल परफॉर्मेंस इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज में निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा का विवेचन किया गया। नरकस ने अपने निर्धनता दुष्चक्र को 3 पक्षों में विभाजित किया, निर्धनता दुष्चक्र का आपूर्ति पक्ष, निर्धनता दुष्चक्र का मांग पक्ष और निर्धनता दुष्चक्र का बाजार वरीयता।
अगला है, योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों को लोगों को सबसे अधिक संख्या किस राज्य में थी? तो थी उत्तर प्रदेश में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिम रेल 2014-15 की विशेषताओं में नहीं था? तो इसमें कौन सा नहीं था, यात्रियों को किराए पर माल भाड़े में परिवर्तन नहीं है, और 72 नई ट्रेनें आरंभ की जाएंगी जिसमें प्रीमियम ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेनें और पैसेंजर ट्रेनें सम्मिलित होंगी, ये भी सही है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी शीघ्र ही रेलवे मानचित्र पर होगी, ये भी सही है। और इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सरकारों ने अपने संबंधित क्षेत्रों में अपने रेल परियोजनाओं की कीमतों में हिस्से में बांटने में सहमति व्यक्त की, जिसमें सहमति नहीं व्यक्त की, ये तो गलत है। अगला है, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई तो की गई 268 से 281 के मध्य। अगला है, सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना का आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश के आकार कितना होगा? तो है 100 बिलियन। निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्र का अभिकरण एजेंसी है? तो वह है प्लानिंग कमीशन। फिर है, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित किससे था? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। और है, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, वाइस हेल्थ से है। अगला है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है कहाँ पर? हैदराबाद में। और गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही क्रम क्या था? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा। और है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जलान पैनल गठित किया गया था किसके लिए? तो नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए किया गया था। अगला है, ये खाद्य उत्पादन में वृद्धि और दूध उत्पादन, तो ये हरित क्रांति क्रांति तो सबको आपको याद ही होगा, 1, 2, 3, 4। तो खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति, उद्योग उत्पादन श्वेत क्रांति, मांस उत्पादन नीली क्रांति, उर्वरक में भूरी क्रांति। 12वीं पंचवर्षीय योजना के औसत दौरान कृषि वानिकी एवं मत्स्यपालन की वृद्धि की दर अनुपात कितनी थी? तो 4% थी। अगला है, दो उत्तर प्रदेश में 11-12 में घरेलू राज्य उत्पादन कृषि का योगदान कितना था? तो ये पुराना करंट इश्यू है। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया था? तो नाबार्ड द्वारा 1982 में। अगला है, वर्ष 11-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो वह हुआ था उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, विज्ञान साइंस का क्वेश्चन है, किस भारत व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितना समतल दर्पण की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? तो उसका आधा, याद रखिएगा वो हाफ। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती ठोस में, द्रव में, गैसों में, निर्वात में? निर्वात में नहीं चल सकती। फिर है, एक कृत्रिम उपग्रह विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो होता है सौर सेल। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक नहीं, नाइट्रोटॉलुइन है, नाइट्रोग्लिसरीन है, नाइट्रोनाइट्रीन है, ये सब है। अगला है, स्लीप एपनिया का भयंकर निद्रा दोष इसमें लोग क्या करते हैं? तो निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित हो जाती है इसमें। अगला है, सेरिब्रल पाल्सी एक समस्या संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है कहाँ पर? ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। स्त्रियों में रजोन्वृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो हो जाता है एस्ट्रोजन का। महिलाओं में मुख्य हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन है जो मादा के द्वितीय लैंगिक अंगों के विकास वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन गर्भावस्था के बाद महीनों में स्रावित होता है। स्त्री में रजोन्वृत्ति के बाद एस्ट्रोजन का उत्पादन बंद हो जाता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन पाया जाता है जो शुक्राणुओं के निर्माण तथा चयनशीलता के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी नपुंसकता हो सकती है। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिकी ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है एनियाब्धिस, मतलब इसमें से कोई पाँव से ली गई सिरा या ग्रस्त या कहीं से भी ली जा सकती है। अगला है, बायोलॉजिकल रिस्फेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार होता है किसका? नीज वाइंस का। अगला है, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? तो कैथ लैब कार्डियोलॉजी में। तो अस्पताल कार्डियोलॉजी विभाग कैथ लैब होगी। इस स्थान पर हृदय रोग से ग्रस्त रोगियों की तत्संबंधी बीमारियों की जांच हो जाती है। तो बी ट्वेल्व में क्या होता है? बी ट्वेल्व में कोबाल्ट होता है, याद रखिएगा बी ट्वेल्व कोबाल्ट में होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन लोहा होता है। क्लोरीन में मैगनीज होता है और पीतल में कॉपर होता है। तो ऑप्शन हो गया ए। फिर है, कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर के प्रकाश उत्पन्न करते हैं, परिघटनों को क्या कहते हैं? फ्लोरेसेंस या बायोल्यूमिनेशंस। तो ये इसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेशंस बोलते हैं, जैसे जुगनू हुए। बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है तो लखनऊ में है। और नेक्स्ट है, पर्यावरण से क्वेश्चन है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए अनर्गल कितना होना चाहिए? 33%। ओजोन दिवस देख लीजिए कितनी बार पूछा है ये। ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू, ये रिलेटेड नॉइस पॉल्यूशन से। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा होता है? गेहूँ, धान? तो धान का खेत होता है।
तो नीरी के कहाँ पर नागपुर में स्थित है 1998 बना था। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण दिवस अधिनियम पारित हुआ था? पर्यावरण 1986। फिर है भारत में जैव विविधता दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? तो पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट है भैया। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स? तो PNV स्मॉग भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, ओजोन है। तो राजाजी नेशनल पार्क किसके लिए है? तो हाथी के लिए सही है। पेरियार, ये पेरियार हाथी के लिए, हंगुल के लिए नहीं है। मानस है हाथी के लिए और दुधवा राष्ट्रीय टाइगर के लिए है। अगला है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण हो सकता है क्या? तो डर्मल कैंसर, त्वचीय कैंसर हो सकता है। ओजोन बायोस्फीयर भी बचाती है किससे? तो हमको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट प्रदूषक है किसका? सुई बैस का। भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट, इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है 1936 में। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द पार्टिकुलर एरिया। अगर नेक्स्ट टाइम मिलान करना है डाची गामा, देखिए रिपीटेड है डाची गामा, जम्मू कश्मीर है। केवला देव, केवला देव जो है ये है राजस्थान में, राजस्थान में। कान्हा है ये मध्य प्रदेश में, और पेरियार है केरल में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ये। और यह है बखीरा, कौन सा? सुमेलित, सुमेलित है, सही सुमेलित है। बखीरा जो है, बखीरा संत कबीर नगर में है, तो उन्नाव में नहीं है। ओखला वाइल्ड ट्राइब कहाँ पर है? ओखला गौतम बुद्ध नगर में है। और सांडी जो है, सांडी हरदोई में, ये सही है। महावीर वाला ललितपुर में है। ठीक है, तो महावीर ललित में है, पुर में है। नेक्स्ट है गोल्डन लंगूर, ये इंडर इंडेंजर्ड है, डेजर्ट कैट इंडेंजर्ड है, ये विलुप्त प्राय। सुनहरे लंगूर भारत में असम तथा भूटान के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। रेड एडा बुक में विलुप्त प्राय इंडेंजर्ड है सुनहरे लंगूर। और ये जो है मरुस्थली बिल्ली को कम चिंता, मतलब लीस्ट कॉन्सर्न बोलते हैं, तो ये गलत है। और फूल को होलोक जो है, ये कुलाक लुप्त प्राय तथा पूर्वी हुलाक को वल्नरेबल में रखा गया है, वल्नरेबल में रखा गया है। एशियाटिक लाल जंगली कुत्ते को विलुप्त प्राय में रखा गया है। ठीक है, इंडेंजर्ड में रखा गया है, तो थोड़ा उथल पुथल हुआ इसमें। निम्नलिखित में से कौन है किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ब्रॉड ने ये नहीं है। अगला है द नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेट जोन इन उत्तर प्रदेश, तो 9 है, ये भी रिपीटेड है। अगला है निम्नलिखित में से किसने मार्च 2014 में विश्व महिला स्क्वैश चैंपियनशिप जीती? तो वह जीती थी लौरा मसौरी ने। एक मिनट भैया, ये नौटंकी इनकी होती होती है। अगला है निम्नलिखित में से किसने, ये हो चुका। अगला है एक मिनट ही जी, निम्नलिखित राज्यों में से 13 फरवरी 2014 को लगातार छठवीं बार सोने घाटे के बजट प्रस्तुत किया था किसने? ये किया था जम्मू कश्मीर ने। फिर है निम्नलिखित में से किस एक राज्य ने 5 2014 में अनुश्री योजना का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में विलय करने का निर्णय लिया? तो लिया दिल्ली ने। अगला है 101 में भारतीय साइंस कांग्रेस का आयोजन 3 फरवरी से 7 फरवरी 2014 के मध्य कहाँ पर हुआ था? तो जम्मू में हुआ था। एक पुराना न्यूज़ है, इस पर ज़्यादा फोकस मत करिएगा, लेकिन देख लीजिए कि पैटर्न यही होता है, तो नए क्वेश्चन से अपडेट करिएगा। निम्नलिखित में से किन 3 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में 2014 में 7 संपन्न हुए थे? तो वो हुए थे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम का। फरवरी 2014 में देश के प्रथम पोस्ट ऑफिस सेविंग से बैंक ATM उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो चेन्नई में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद मार्च 2014 से अपत्र दिया था? तो वह थे KC चक्रवर्ती। फिर है विश्व आर्थिक मंच 24वां वार्षिक अधिवेशन 25 जनवरी 2014 के बीच स्विट्जरलैंड के दाओस में आयोजित हुआ था। विषय क्या था इसका? इसका विषय था द रिशेपिंग ऑफ द वर्ल्ड कॉन्फिडेंस फॉर सोसाइटी पॉलिटिक्स एंड बिजनेस। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के 2014 में विजेता गुजरात, वास्तविक नाम इनका क्या था? इनका नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। निम्नलिखित में से भारत की किस एक जनजाति ने लोकसभा चुनाव 2014 में पहली बार मतदान किया था? तो वो किया था सोमपेन जनजाति ने। फिर है नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक लिखी थी किसने? तो ये नीलांजन मुखोपाध्याय ने लिखी थी। बोको हरम जो हाल ही में नाइजीरिया के संदर्भ में समाचार में था, वो था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगला जून 2014 में भारतीय नौसेना में औपचारिक तौर पर सम्मिलित किया गया विशालतम युद्धपोत कौन सा था? तो INS विक्रमादित्य था। अगला है देश निम्नलिखित में से निम्न देशों में से किस में ने महिला विश्व हॉकी विश्व कप 2014 जीता? तो वो जीता था नीदरलैंड ने। फिर है सत्य सत्यवें केंद्रीय वेतन आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है?
तो इसमें ये तो देखिए, मनमोहन सिंह सातवें वेतन आयोग के गठन के अनुमोदन 4 फरवरी 2014 को ये थे। सही है, सुकुमार माथुर के चेयरमैन नियुक्त किए भी सही है। 3 वर्षों में आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया गया था, तो गलत है। तो इसमें अशोक कुमार माथुर वेतन अध्यक्ष थे, आयोग ने 2 वर्ष के लिए दिया गया था। अगला है IPL 2014 के 7वें सीजन का फाइनल किस शहर में खेला गया, तो बेंगलुरु में। और अगला फीफा विश्व कप 2014 में कितने देशों ने भाग लिया था, तो वो लिया था 32। फिर अगला है IAS, जिसने जून 2014 में 1700 इराकी सैनिकों को मौत का घाट उतार देने का दावा किया था। पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या है इसका, इसका इस्लामिक स्टेट ऑफ द इराक एंड सीरिया है। फिर है अगला पाकिस्तान आतंकवादी अब्दुल वालिद और फहीम, जिन्हें 27 मार्च 2014 को गोरखपुर में गिरफ्तार किया गया था, उनके गोरखपुर पहुँचने का मार्ग क्या था, तो उनके गोरखपुर कराची काठमांडू गोरखपुर था। अगला 23 जनवरी 2014 को मोरक्को के पार्लियामेंट द्वारा दंड संहिता के एक अनुच्छेद में किसे किए गए संशोधन के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है। तो इसमें सत्य ये है कि अल्पवयस्क लड़की के बलात्कारी को ट्रायल से बचाने के लिए उसके साथ विवाह करना चाहिए। 23 जनवरी 2014 को मोरक्को के पार्लियामेंट द्वारा दंड संहिता के एक अनुच्छेद में अल्पसंख्यक लड़की की बलात्कारी को ट्रायल से बचने के लिए उसके साथ विवाह की अनुमति दी गई थी। लंदन स्थित मानवाधिकार संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित देशों में से कौन एक विश्व का सर्वाधिक फांसी देने वाला देश है, तो है चीन। अगला है निम्नलिखित में से किसे 16वीं लोकसभा के हेतु कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो वह किया गया था कमलनाथ को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारतीय तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों का पोलियो मुक्त घोषित किया था, तो किया था 27 मार्च 2014 को। अगला है विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष पास्कल लेमी का स्थान कौन सा है, तो है रॉबर्ट एजेवेडो ने लिया। 2014 फरवरी 2014 में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय से व्यापार मेला का आयोजन किया गया था, कहाँ पर, तो जालंधर में। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित किया गया था, वो मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक को ग्रामीण पर्यटन परियोजना के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया, तो सिक्किम को। मिसलेनियस करेंगे, विश्व विकास प्रतिवेदन 2010 की विषय वस्तु थीम क्या थी, तो उसकी विषय वस्तु में थी विकास और जलवायु परिवर्तन थी। अगला है हरा सूचकांक विकसित किया गया किसके लिए, तो वर्ल्ड बैंक द्वारा किया गया था, कार्बन दक्षता का पता लगाने के लिए। अगला है 2013 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी की ग्रस्तता लोगों का प्रतिशत कितना था, तो 53.7% था। सितंबर 2012 में विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन से थे, तो कौशिक बासु थे। और एजेंडा 21 कितने समझौते हुए थे इसमें, तो उसमें 4 समझौते हुए थे। और यह सर्व शिक्षा अभियान कब आया था, तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। और साक्षर भारत 2009 में। और ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। और है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में, तो ऑप्शन हो गया डी 3, 4, 1, 2। अगला है होमी भाभा पुरस्कार निम्न से किस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया जाता है, तो दिया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।